मैं हमेशा मैंने एक फिल्म की थी किशोर जी के साथ पड़ोसन, तो उसमें वो मेरे गुरु थे, मुझे गाना सिखाते थे। तो उस फिल्म को एक साल लगा बनने में, काफ़ी मैंने उनसे कुछ सीखा। और सही मानों में फिर उसके बाद जब भी जब तक वो जिंदा थे मैं उनको गुरु बुलाता था और वो मुझे भोला बुलाते थे। तो इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हुआ और मैं हमेशा समझता था कि ये जो किशोर जी हैं वो ही इज़ ए जीनियस। उसमें जो खूबियाँ एक कलाकार में हो सकती हैं वो चुन चुन के भरी हुई थी, इसलिए कि वो कभी ये दिखाते नहीं थे कि वो उदास हैं या परेशान हैं, हंसते खेलते रहते थे, मगर उनके गानों में उदासी भी थी, परेशानी भी थी, खुशियाँ भी थी, चंचलपना भी था। ये मेरा ख्याल है बहुत ही कम कलाकारों में ये सारे गुण होते हैं जो उनमें थे। और मुझे अच्छा लगा कि अब देखिए आज इतने साल हो गए दुनिया से गए हुए, मगर आज भी कला की फिल्मी दुनिया के कितने लोग यहाँ पे आए हैं ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यू नो दिस एक्चुअली दिस सॉर्ट ऑफ ए थिंग एवरीबॉडी प्लेज वंस पार्ट एंड नोबडी कैन रिप्लेस एनीबॉडी, एवरीबॉडी लीव्स देयर ओन मार्क्स, बट द वर्ल्ड मूव्स ऑन एंड यू नो दिस इज द वे ऑफ लाइफ। वन हैज़ टू गो वन डे एंड समबडी टेक्स ओवर एंड ऑल। द म्यूजिक इज नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ यू नो fusion, the music, the combination of West and this. Earlier there used to be more purity because the people never wanted to combine the Western music, but that's the in thing today in India. So one has to change and move with the time. मुझे दरअसल पड़ोसन का गाना जो लोगों को बहुत पसंद है वो तो वही है मेरे सामने वाली खिड़की में, मगर मुझे जो दूसरा गाना बड़ा पसंद था कि कहना है आज तुमसे ये पहली बार, मुझको है तुमसे प्यार प्यार, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक और गाना किशोर दा ने गाया था रॉकी में, क्या यही प्यार है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही खूबसूरत गाना था। Thank you.